अल्हम्दुलिल्लाह, हसन और हुसैन की तरह मरियम के नाम पर भी नेल्सन कंपनी निकल आना इस बात का सबूत है कि हमारी ख्वातीन भी करप्शन में मर्दों के शाना बशाना हैं। खान की जंग जिना से बड़ी है क्योंकि गोरे बेगैरत नहीं थे। कभी सोचा है बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां भुट्टो फौत हो गया है और किसी कुत्ते को वो शेर नहीं समझते। हमारी कौम को ये नहीं पता कि वजीर आजम का असल काम क्या होता है। वो तो बस यही समझती है कि जो सड़कें, गटर और पुल बनाए वही वजीर आजम होता है। जिस दिन भुट्टो मर गया और शेर की जगह शऊर आ गया, कौम खुद ही समझ जाएगी। जिस कौम की गैरत मूछों में, मजहब दाढ़ी में हो, उस कौम की अकल दिमाग में नहीं हो सकती। इंसाफ फरोशी, जमीर फरोशी, कलम फरोशी और फतवे फरोशी जिस्म फरोशी से 70 गुना बदतर है। बराए मेहरबानी कौमी असासे फरोख्त करने की बजाय सियासतदानों के घर फरोख्त किए जाएं। इस मुल्क को कौम ने नहीं, सियासतदानों ने लूटा है। मुआजरत के साथ, अगर खाना काबा पाकिस्तान में होता तो इमाम काबा भी कोई रिटायर जनरल ही होता। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वर्ष ब्यूरोक्रेसी की शाहखर्चियां और सरकारी अय्याशियां बंद कर दें, मुल्क का सारा कर्जा उतर जाएगा। सुअर खाने वाले मुमालिक में खुशहाली और अमन इसलिए है कि वह अपने सुअर को हाकिम बनाने के बजाय खा जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। आसेब ज़दा लोगों का गिरोह पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। नून लीग खत्म होने के ख्वाब देखने वालों सुन लो, नून लीग एक पार्टी नहीं, एक सोच है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच है। लंदन के डॉक्टर आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि मियां साहब दवाई खाने से नहीं बल्कि मुल्क खाने से ही ठीक होंगे। शाहबाज शरीफ साहब कहते हैं, गंदम खाने से बाबा आदम जन्नत से निकाले गए थे, आगे थोड़ी मर्जी। इमरान खान भी हद करता है, इंडिया के शहर लाहौर में छुपकर बैठा है, जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिला लंदन में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है। तुर्की में आवाम का सारा कीमती सामान बाहर पड़ा है, इसलिए शाहबाज फिलहाल तुर्की ना आए, तैयब उर्दुगान। दुनिया के अजीम मईशत दान, मोटरवे बनाने के लिए कर्ज लिया, कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लिया, दोनों कर्ज उतारने के लिए मोटरवे गिरवी रख दी। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को रखना बिलावल से औलाद की तवक्को रखने जैसा है।